मिथिला के विकास के लिए मंथन। मिथिला के विकास के लिए दरभंगा में पहली बार देश विदेश के कई विशेषज्ञ एक साथ इमर्जिंग मिथिला समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 11 मार्च को होटल श्यामा रेजिडेंसी में द वे के द्वारा आयोजित इस समिट में कई कंपनियों के प्रमुख अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा पर्दे के कलाकार अपनी बातों को रखेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मिथिला के उत्थान के लिए एक मंच पर मंथन किया जाएगा। मिथिला में रोजगार पैदा करना एवं इसके लिए जरूरी बातों की रूपरेखा तैयार करने पर विमर्श होगा। पूरे दिन चलने वाले इस समिट का आरंभ दिन के 11 बजे से होगी, जो रात्रि के 10 बजे तक चलेगी। इसके अंतर्गत स्पीकर सेशन में विशेषज्ञ अपनी बातों को रखेंगे। कोई भी कार्यक्रम नहीं हुई है जिससे मिथिला के विकास की बात हम लोग एक मंच पर कर सकें और उससे कुछ निकल करके सामने आए। बहुत सारे रोजगार के स्कोप हैं, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन सबों की बातचीत होगी इस बार इस इवेंट में, जहां पे देश विदेश से सारे लोग आ रहे हैं। वो लोग बात करेंगे कि रोजगार के और क्या क्या आयाम हो सकते हैं, हम लोग किन किन क्षेत्रों में मिथिला को विकास की ओर ले जा सकते हैं। इन सारी बातों पर विमर्श के लिए इस मिथिला इमर्जिंग मिथिला समिट का शुरुआत किया गया है। कौन कौन अतिथि रहेंगे? अतिथि रह रहे हैं जैसे चीफ जोनल डायरेक्टर हैं MSME के, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, PK झा जी हैं वो रहेंगे। DRDO के साइंटिस्ट हैं MK पाठक जी, वो रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। प्लस आनंद पांडे हैं जो कि IIT में लेक्चर देने जाते हैं, उनके पास 500 प्लस पेटेंट है, तो वो लोग आ रहे हैं कि किस यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप को किस ग्रुप में ढालें ताकि भविष्य में उनकी शिक्षा ऐसी व्यवस्था हो कि वो आगे बढ़ सकें। होटल श्यामा एजेंसी में हो रहा है, इसका टाइमिंग मॉर्निंग 10 से लेकर के रात को 10 बजे तक होगा। इसमें बहुत से स्पोक पर्सन बोलेंगे, फिर रात में डिनर के साथ इसमें प्रोग्राम होगा, इसमें प्रिया मलिक आ रही हैं। ये सारा सेशन क्रमबद्ध है और हम लोग जो दवे के साथ जो है श्यामा एजेंसी यहाँ पे वेन्यू पार्टनर बन के ऑर्गेनाइज करते हैं। किया जा रहा है कि यहाँ जो बच्चे MBA कॉलेजेस में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, WIT में है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थान दरभंगा में है, लेकिन उन लोगों को, ऐसे लोगों को सुनने का मौका नहीं मिलता है लाइव। तो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बच्चे सीधी बात कर सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें। अब एक इंजीनियर ग्रेजुएट यहां से निकलता तो है, बट एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में वो क्या करे? ये तो तय हो गई कि एंटरप्रेन्योरशिप से ही देश का विकास संभव है। आप कितने रोजगार की तरफ जाएंगे? अपना रोजगार करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तब जाकर के आप रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इसलिए इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और अपना जो है वो सेक्टर बनाएं, अपने जगह काम करें। शार्क टैंक्स वगैरह जो सीरियल्स आज आ रहे हैं, आज उसी की देन है। आज ये सब इतने पॉपुलर हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ रहे हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोगों का जो मेन मोटो है ये समिट करने का कि विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आएंगे, हम लोगों के इनवाइट करने पे वो आ रहे हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं MBA कॉलेज से हम लोग बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से, WIT से, और वो लोग आएंगे, उनकी बात सीधी बात होगी उन लोगों से और वार्तालाप के क्रम में जो समस्याएं हैं उनका वो निदान करेंगे, बताएंगे उनको कि आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शहर के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए लाभदायक होगा कि जो लोग इसको समझ रखे हैं वो या तो दरभंगा छोड़ करके दिल्ली, बॉम्बे में काम कर रहे हैं या इससे बाहर कर रहे हैं। जो तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लोग समझ रखे हैं वो बाहर चले गए और जो समझ रहे हैं वो कुछ लोग हैं, हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको इस रूप में आयोजन करके उनको जो है सो नॉलेज दिया जाए कि जो लोग यहाँ है, जो नया पीढ़ी हमारा जो आ रहा है, जनरेशन जो आ रहा है, वो इस सेमिनार को एक दिन का अटेंड करें, सारा सीखे, सारा टॉपिक पे जो भी टॉपिक अभी इन लोगों ने चर्चा किए हैं, सारा टॉपिक पे हम लोग उस पर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है लोगों को उद्योग करने में, कहाँ MSME में आ रही है। अगर आप उद्योग बनाना चाह रहे हैं तो आपको फिनंशियल जो दिक्कतें आती है, तो हम लोग बैंक के भी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उन लोगों को भी उस दिन बुलाएंगे, MSME के भी डायरेक्टर जो है उद्योग विभाग के, वो लोग भी सारे रहेंगे और सारा जो है उस दिन समाधान भी करेंगे कि कोशिश जिनके मन में जो प्रॉब्लम आ रही है उनका दिक्कत भी दूर।